तो हम लोग अभ्यास एक को कंटिन्यू करते हैं। अभ्यास एक के स्टेप सिक्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कल जो एक्सरसाइज हम लोग लिया था कि हमें अपने भाव को ऑब्जर्व करना है और उसमें ये देखना है कि हमें कौन सा भाव सहज रूप से सब स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का। अभ्यास एक में मूलतः हम चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन पे हम लोगों ने अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया था और उसको स्टेप वन में हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया था, बल्कि जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया था। स्टेप टू पे हमने उसका मूल्यांकन शुरू किया और यह देखना शुरू किया कि मेरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री पे ये देखना शुरू किया कि उस भाव के साथ मेरी स्थिति सुखद है कि नहीं। स्टेप फोर पे ये देखा कि ये जो भाव है मेरे अंदर, इसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। और इसको थोड़ा सा ध्यान देकर देखा तो पाया कि निर्णय तो मैं स्वयं ही लेता हूँ। स्टेप फाइव पे फिर हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो भी मैं भाव के संदर्भ में निर्णय लेता हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता, तो कैसे तय होगा। तो पता चलता है कि यदि समझ के आधार पर है तो उस भाव के साथ मेरी स्थिति सुखद रहती है, सहज रहती है, मैं आराम में रहता हूँ, उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। परंतु यदि मान्यता होती है तो उसमें कोई निश्चितता नहीं होती, सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, तृप्तिदायक भी हो सकता है, अतृप्तिदायक भी हो सकता है, अनिश्चितता रहती है। तो फिर हम लोगों ने ये बात देखना शुरू किया स्टेप सिक्स में कि अल्टीमेटली समझ है क्या, तो कैसे तय होगा कि समझ क्या है। तो फिर अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे कि मुझे मेरी सहज स्वीकृति क्या है, संबंध के भाव की या विरोध के भाव की, व्यवस्था के भाव की या अव्यवस्था के भाव की, सहस्तित्व के भाव की या संघर्ष के भाव की। और थोड़ा सा ध्यान देखने से पता चलता है कि मुझे तो संबंध का भाव ही स्वीकार होता है, परंतु इसको बहुत जल्दी माने नहीं, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, इसको है ना थोड़ा ओपन रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही बात को बार बार सुनते सुनते हम मानने लगते हैं, तो हम मुझे संबंध का भाव ही स्वीकार होता है, हम मान लेते हैं, परंतु ये संबंध का भाव होता क्या है इसको हम फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, है ना। और कई बार ये भी होता है कि एक आदत बन जाती है, एक अभ्यास बन जाता है कि जब हम ऐसे सत्र में होते हैं हम सारी बातों पे सहमत हो जाते हैं, परंतु जब जीने जाते हैं तो हमारी बहुत सारी पुरानी जो मान्यताएं हैं वो फिर से हावी होने लगती हैं। तो ये अपने आप में देखना शुरू करेंगे कि संबंध का भाव ही स्वीकार होता है या अन्यथा, और किसी परिस्थिति में संबंध का भाव होता क्या है। कोई व्यक्ति अगर हमसे ठीक व्यवहार कर रहा है तो वहां पे संबंध का भाव क्या है, गलत व्यवहार कर रहा है तो संबंध का भाव क्या है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इसको अभी अपने को सीधे मान नहीं लेना है, अदरवाइज ये भी एक कंडीशनिंग है कि जब हम सोचते हैं तो यही पाते हैं कि हाँ मुझे संबंध का भाव स्वीकार होता है, बट जब जीने जाते हैं और उस क्षण में जो हमारा व्यवहार होता है, जो विचार होता है, वो संबंध के भाव से तय नहीं होता, यानी हमारी जांच परख अभी शेष रह गई है। तो जांच परख करना स्टेप सिक्स में हम लोग इसको कर रहे हैं। इसको हमने वर्कशॉप में सुना है, कई बार सुना है, सुबह की चर्चा में भी कई बार ये बात आई है, मीटिंग्स में भी कई बार ये बात आई है, परंतु मेरा कहना यह है कि इसको हम लोग ओपन रखें। हो सकता है इस पे सेटल होने में समय लगे, वेल एंड गुड, है ना, समय लगने दीजिए, बट अपने आप में देखना शुरू करिए तो आपके अंदर कुछ जेन्युइन प्रश्न बनेंगे, ये संबंध का भाव होता क्या है, दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलना ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, ये संबंध का भाव है।
या दूसरे को रोक टोक करना अगर गलत कर रहा है, ये संबंध का भाव है। या दूसरे में समझ को विकसित करना, ये समझ संबंध का भाव है। क्या है संबंध का भाव, क्या है मेरी सहज स्वीकृति। वैसे ही व्यवस्था के साथ तो बात हुई थी कि जब हम व्यवस्था के भाव को देखने जाते हैं तो शुरू में कुछ स्पष्ट नहीं होता। तो अब इसको अगर विस्तार किया जाए थोड़ा, तो आपको पता लगेगा कि हर इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदार है। तो मेरी स्वयं में भी व्यवस्था है और जो मुझसे बड़ी इकाई है उसमें भी व्यवस्था है और उसमें मेरी भागीदारी है। तो जो भागीदारी है ये तो संबंध का भाग है। जो व्यवस्था का होना है ना, ये बोध की वस्तु है, व्यवस्था का भाग है। तो जैसे मैं, आप, हम सभी स्वयं में एक व्यवस्था है। सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक मैं और शरीर के सहस्तित्व के रूप में है और हम सभी परिवार में रहते हैं। परिवार भी एक व्यवस्था है, मुझसे बड़ी इकाई है। और परिवार पूरी प्रकृति में है, प्रकृति भी एक व्यवस्था है। तो इकाई की स्वयं में व्यवस्था को भी हम देख पाते हैं, जो मानव कृत व्यवस्थाएं हैं उसको भी देख पाते हैं और जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको भी देख पाते हैं। तो जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो वहां संबंध शामिल हो जाता है, क्योंकि उस व्यवस्था में सिर्फ एक मनुष्य के साथ नहीं बल्कि हर एक मनुष्य के साथ, हर एक इकाई के साथ संबंध को देखना बनता है। तो जैसे मुझे अगर कोई निर्णय लेना है, ठीक, तो परिवार में व्यवस्था के भाव के साथ अगर निर्णय लेते हैं तो परिवार के सदस्य के साथ संबंध का जो भाव है उसमें समाहित हो जाता है। और कई बार आप पाएंगे यदि मैं परिवार की व्यवस्था को नहीं देखूं और सिर्फ एक व्यक्ति के साथ संबंध को देखूं तो मेरा निर्णय एक प्रकार का होगा, परंतु यदि मैं परिवार की व्यवस्था को देखूं तो मेरा निर्णय अलग प्रकार का होगा। यदि मैं परिवार समूह की व्यवस्था को देखूं तो हो सकता है मेरा निर्णय फिर बदल जाए। मैं पूरी प्रकृति की व्यवस्था को देखूं तो मेरा निर्णय फिर बदल जाए। तो स्वाभाविक तो यही है कि पूरी प्रकृति की व्यवस्था देखते हुए हम निर्णय लें। तो मेरे अंदर क्या ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि परिवार का कोई सदस्य कह रहा है कि उसको कोई सुविधा चाहिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि एसी लगाना गलत है, एसी की जरूरत है ना, मैं ऐसा नहीं करूँ कि एसी नहीं लगाए, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो संबंध के भाव के साथ देखें तो हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई, एसी लग जाए, अगले की इच्छा है। परिवार की व्यवस्था के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे कि परिवार के और भी सदस्य हैं और सभी की आवश्यकताएं हैं, परिवार की आवश्यकता को पूरा करते हुए एसी को लगाना उचित बनता है कि नहीं, तो हो सकता है मेरा निर्णय बदल जाए, ठीक है ना। फिर अगर हम समाज की व्यवस्था को देखें तो हम ये भी देखेंगे कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह की सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अगर किसी के पास नहीं है और मैं एसी लगाता हूँ तो इससे समाज की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इससे द्वेष फैलेगा, संघर्ष फैलेगा, तो मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। और यदि प्रकृति की व्यवस्था को मैं देखने जाता हूँ, मैं देखूंगा कि प्रकृति पे इसका क्या असर पड़ता है। एक उदाहरण लिया मैंने एसी का, है ना। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम निर्णय लेंगे। तो जब हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध को देखते हैं तो हमारा भाव विचार एक प्रकार का होता है। परिवार की व्यवस्था को देखते हैं तो भाव विचार में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। समाज की व्यवस्था को देखते हैं फिर परिवर्तन हो सकता है। और पूरी प्रकृति की व्यवस्था को देखते हैं एक समग्र दृष्टि बनती है। और यदि हम सहअस्तित्व के भाव के साथ देखें तो उसमें शून्य में संपृक्तता के साथ स्वयं को देख पाते हैं, दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे के शरीर को देख पाते हैं, पूरी प्रकृति को देख पाते हैं और मानवीय परंपरा के साथ सोचते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे धरती पे व्यवस्था बनी रहेगी, कैसे पूरे अस्तित्व में व्यवस्था को स्वरूप निश्चित रहेगा। तो हम हर एक चीज को देखते हैं, है ना। तो अभी हम शुरुआत तो संबंध के भाव से करते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्पष्ट हो जाए, चाहना स्पष्ट हो जाए।
परंतु उसके साथ व्यवस्था का भाव भी दिखना बनता है, सहअस्तित्व का भाव भी दिखना बनता है। तो प्रस्ताव तो मिला है हमें ना, उसको जांचना है, परखना है, फिर आपको दिखेगा कि जो सहअस्तित्व का भाव है उसी का एक भाग है व्यवस्था का भाव, और जो व्यवस्था का भाव है अगर हम समग्रता में देखें तो उसी का एक भाग है संबंध का भाव। मूल भाव तो सहअस्तित्व का भाव है। तो ये बात हमें दिख सकती है, स्पष्ट हो सकती है जी। इतनी बात अगर मुझे जो मैंने कही अगर स्पष्ट हो गई हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं स्पष्ट हुई है तो इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। अगर स्पष्ट हो गई है तो यस कह दें, नहीं स्पष्ट हुई तो इस पर हम लोग हैंड रेस कर लें, प्रश्न कर लें, चर्चा कर लें। सही निर्णय हम कैसे ले पाए, एक तो वो जानना है मुझे। देखिए सही निर्णय का मतलब हुआ कि सहअस्तित्व के भाव के साथ निर्णय लिया, वही सही निर्णय जी है ना। और एक महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरा निर्णय सही है कि गलत है ये भाव से तय होता है ना, फल परिणाम से नहीं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम कोई निर्णय लेते हैं, फल परिणाम अनुकूल हो गया तो हम कहते हैं निर्णय ठीक हो गया, निर्णय सही था मेरा। फल परिणाम प्रतिकूल हो गया तो हम कहते हैं निर्णय गलत था। ऐसे में जाएंगे तो अपने निर्णय के प्रति कभी आश्वस्त ही नहीं हो सकते। तो जो निर्णय ले रहे हैं वो तो सही है कि गलत है यह हमारे भाव से तय होता है, फल परिणाम से नहीं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको घर से बाहर निकलना था, आपने सोचा छाता ले कि ना ले, ठीक, तो आसमान की ओर देखा और लगा कि भाई बारिश तो होने की संभावना नहीं है, बट थोड़ा दूर निकले और बारिश हो रही थी, भींग गए, तो निर्णय पर पछतावा हुआ कि छाता ले लेना चाहिए था। और छाता ले लेते और बारिश नहीं होती, फिर अपने निर्णय पछतावा होता कि भाई बेकार ही ढोया छाता है ना, बैग का भार बढ़ा लिया, आवश्यकता थी नहीं। तो जब भी हम निर्णय को सही या गलत तय करने जाते हैं और फल परिणाम से तय करते हैं तो ये उलझन बनी रहेगी, परंतु यदि भाव से तय करते हैं तो आश्वस्त रहेंगे, भाई शरीर के प्रति संरक्षण के भाव के साथ लिया, ठीक, बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। तो एक तो मुद्दा है इसमें भाव का, यदि हम सहअस्तित्व के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ, संबंध के भाव के साथ निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सहज रूप से स्वीकार भी होता है और सही भी होता है, फल परिणाम चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। परंतु यदि हम फल परिणाम से निर्णय लेते हैं तो हमारे में हमेशा द्वंद्व बना रहता है, उलझन बनी रहती है जी। मेरी किसी दोस्त की थी, मतलब मैं दोस्त था, जब हम दोस्त थे तो हमारे बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी होता था, लेकिन दोस्त की कुछ आदतें जब धीरे धीरे ऐसा लगने लगी इसकी आदत कुछ ठीक नहीं है, तो कई बार ऐसा बता भी देते कि देखिए अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस टाइम फिर बीच में ऐसा लगा कि नहीं है तो कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रहा है, फिर आरोप प्रत्यारोपण हो रहा है, तो फिर बीच में से लगा कि चलो इनसे दोस्ती छोड़ देते, दोस्ती दूर कर देते। कहीं ना कहीं मुझे कभी ऐसा लगता है हाँ निर्णय तो ठीक ही था, वो नहीं समझते तो क्या करें, ऐसी अंतर्विरोध चलता है भैया। हाँ ठीक बात है। तो भाई देखिए अगर वो आपकी बात मान लेते तो आपको लगता कि निर्णय ठीक था, नहीं माने तो लगता है निर्णय गलत था। अब हम क्या कर रहे हैं, फल परिणाम से निर्णय के सही या गलत होने को तय कर रहे हैं, और इसमें कभी आप सेटल नहीं हो पाएंगे, जी ठीक है ना। तो अगर हम यहां से तय करेंगे तो ये उलझन बनी रहेगी, इसलिए भाव से तय करेंगे। तो मेरे अंदर अगर परस्पर पूरकता का भाव बना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट करने का भाव बना हुआ है, दूसरे में समझ और संबंध के भाव को विकसित करने का भाव बना हुआ है, तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे। तो अभी दोस्ती रखना है कि नहीं रखना यह मुद्दा नहीं है, दोस्ती किस प्रकार से रखना है यह मुद्दा है। तो हमारे मित्र हैं जी वो अनावश्यक कार्यों में लगे हुए हैं, हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम उनके साथ अपना जो निर्वाह तो तय करेंगे कि जब भी निर्वाह होगा समझ के आधार पर होगा, तो जब भी बात करेंगे समझ की बात करेंगे। उनको तो कहने दीजिए कि भाई तुमसे बात नहीं करनी, तुम बेकार की बात कर रहे हो, तुम हमेशा एक ही बात रटते रहते हो, वो ठीक है ना। परंतु मेरे अंदर संबंध में उनके प्रति स्वीकृति बनी रहेगी, स्नेह का भाव बना रहेगा,
हम जब भी बात करेंगे यही बात करेंगे, और ये नहीं कि क्या गलत है सही क्या है इस पे बात करेंगे, उनके अंदर समझ कैसे विकसित हो इसकी बात करेंगे, इस विधि से करेंगे ताकि वो ध्यान दे पाए। ऐसा हो सकता है कि मेरे बार बार कहने से वो ऊब जाए, तो बार बार नहीं कहेंगे, समय देख कर कहेंगे, अवसर लेकर कहेंगे, जब उलझन में होंगे अपनी कोई समस्या कहेंगे तो कहेंगे। तो क्या होता है कि हम खुद से कई बार जब संबंध का अधिमूल्यन करते हैं तो जिस विधि से कोई व्यक्ति समझ सकता है उससे ज्यादा उसको लागू करने लगते हैं, और संबंध का जब अवमूल्यन करते हैं तो जिस विधि से व्यक्ति समझ सकता है उससे भी कम प्रयास करते हैं, कि दोनों ही पुरानी पड़ता। तो मेरे अंदर स्नेह का भाव बना रहता है संबंध के भाव के साथ, और मैं हर क्षण इसी का विचार करता हूँ कि उनकी समझ कैसे बने, और फिर उसके लिए मैकेनिज्म ड्रॉ करता रहता हूँ। उसके लिए उनसे बात करना भी एक मैकेनिज्म है, थोड़ी देर के लिए बात नहीं करना भी एक मैकेनिज्म है। ये जो स्नेह का भाव है मुख्य मुद्दा है, जब मेरे अंदर स्नेह का भाव उठता गिरता है तो समस्या होती है। तो मेरा भाव स्नेह का है कि नहीं इसको हम देखते रहे, और फिर इसके साथ हम तय करेंगे कि अगले व्यक्ति को कैसे बात समझ में आए। अगर हम गुस्से में आ रहे हैं, हम टेम्पर लूज कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब कि फिर मुझे अपने ऊपर काम करना है। और ये जो दोस्त है ये एक अवसर है मेरे लिए अपने ऊपर काम करने के लिए, जो परिवार के सदस्य हैं ये एक अवसर है मेरे लिए अपने ऊपर काम करने के लिए, जो संबंध है ये अवसर है मुझे अपनी श्रेष्ठता को विकसित करने के लिए, समझ और भाव पे काम करने के लिए। तो क्या होता है कि हमारा जो दोस्तों के साथ संबंध का निर्वाह है उसका भी एक इतिहास बन गया है, और उनकी जो आशा है मेरे पास्ट के व्यवहार से तय हो रही है। तो उसमें तो जाकर अपने काम करना ही पड़ेगा कि मेरा ध्यान गया है, मैं अपने ऊपर इस विधि से काम कर रहा हूँ, है ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, इसको तो जाकर स्पष्ट करना ही पड़ेगा। कुछ प्रश्न थे, तो एक प्रश्न है कि अस्तित्व का भाव क्या है। अस्तित्व का मतलब है कि अस्तित्व सहस्तित्व पूर्वक बना हुआ है, हमें हमेशा से था है और हमेशा ही रहेगा। ये जो हमारे अंदर एक आश्वस्ति का भाव है, ठीक, कि अस्तित्व था है और रहेगा, और अस्तित्व में हर चीज हर दूसरी हर इकाई हर दूसरी का एक सब पूरक है, परस्परता बनी हुई है, ठीक है ना। अगर मानव को देखें तो मानवीय परंपरा कैसे बनी रहे, इसको हम सहस्तित्व के भाव के साथ तय करेंगे। तो पूरी पूरे अस्तित्व को देखें तो शून्य है, शून्य में पूरी प्रकृति संपृक्त है, हमेशा से थी है और हमेशा ही रहेगी। एक तो ये हमारी दृष्टि में बनी रहती है, तो जो भी घटनाएं हो रही है उससे हम बहुत प्रभावित नहीं होते। जो चैतन्य इकाई है चैतन्य रूप में बनी रहेगी, जो जड़ इकाई है जड़ रूप में बनी रहेगी, ठीक है ना। इनका सहस्तित्व होना घटना है, जैसे मैं शरीर के साथ हूं, है ना, और मृत्यु के पश्चात मैं और शरीर का सहस्तित्व नहीं बना रहता, ये सब घटनाएं हैं जो बदलती रहती है, परंतु मेरा होना है ना अपने आप में निश्चित है। शरीर के एक एक परमाणु का होना अपने आप में निश्चित है। ये बात है, ये भाव हमारे अंदर बना रहता है। इस आश्वस्ति के भाव के साथ, इस संप्रीतता के भाव के साथ मैं फिर मानवीय परंपरा के लिए काम करता हूँ, ठीक है ना। तो अपने को दिखता है मुख्य मुद्दा तो चैतन्य का विकास है, घटनाएं तो होती रहेंगी, युद्ध हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, हो सकता है भविष्य में भी हो, ठीक, शोषण हुआ है आज भी हो रहा है, हो सकता है भविष्य में भी हो, परंतु मुख्य मुद्दा तो इसमें यह है कि चैतन्य का विकास हो जाए। तो हम इन घटनाओं से बहुत प्रभावित हुए बिना एक निरंतरता के साथ आश्वस्ति के साथ चैतन्य के विकास के लिए काम कर रहे होते हैं। हमको दिखता है यही मेरा कार्यक्रम है, मेरे लिए भी, मेरे संबंधी के लिए भी, परंपरा में हर आने वाले मनुष्य के लिए भी। तो सहस्तित्व के भाव के साथ हम इस संपूर्णता को देख पाते हैं, उसके साथ फिर हम प्रकृति में परस्पर पूरकता को देख पाते हैं, उसके साथ फिर हम मानव मानव संबंध को देख पाते हैं,
जी, मुझे लगता है ये बात स्पष्ट हो गई होगी। हाँ, एक प्रश्न था कि क्या स्नेह का भाव विश्वास के भाव पे स्थापित होगा? बिल्कुल, और विश्वास का भाव एक दिन में तो होगा नहीं, तो हम जीते हुए क्या करते हैं, इन सारे भावों का अभ्यास करते हैं। और स्नेह के भाव के अभ्यास से ये होता है कि मेरे अंदर विश्वास का भाव कितना स्थापित हुआ है इसका आकलन हो जाता है, सम्मान का भाव कितना स्थापित हुआ है इसका आकलन हो जाता है। वैसे मेरे अंदर यदि वात्सल्य का भाव बना हुआ है तो मेरे अंदर स्नेह का भाव कितना विकसित हुआ है इसका आकलन हो जाता है। तो अगर मेरे अंदर हर्ष दूसरे को समझदार जिम्मेदार बनाने का भाव बना हुआ है, इसका मतलब संबंध की स्वीकृति तो बनी हुई है ना। हम जैसे किसी को ड्रॉप कर देते हैं भाड़ में जाए, है ना, इसमें कुछ होना नहीं है, इसमें सुधार होना नहीं है, ये बिल्कुल बेकार का आदमी है, तो मेरे अंदर वात्सल्य का भाव चला गया, यानी कि स्नेह का भाव भी चला गया। अगर संबंध में स्वीकृति होती तो मैं उसके समझ के विकास के लिए काम कर रहा होता। तो ये जो आगे के भाव है ना, उसको हम जब अभ्यास करते हैं तो उसके मूल में जो भाव है उनका हम आकलन कर पाते हैं। जब हम स्नेह का निर्वाह करने जाते हैं तो हम व्यक्ति का सही आकलन भी करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि स्नेह के नाम पर मुझे मोह हो गया इस व्यक्ति से। तो मोह एक बात है, स्नेह अलग बात है, द्वेष एक बात है, स्नेह अलग बात है। तो क्या होता है कि हमें लगता है इस व्यक्ति से मुझे स्नेह है, बट कहीं ना कहीं अधिमूल्यन होता है उस संबंध को, हम ज्यादा आके भी रहते हैं, उसके लिए जो करना बनता है उससे ज्यादा कर रहे होते हैं, जो उसके शरीर के पोषण के लिए करना होता है उससे ज्यादा कर रहे होते हैं, उसके मैं के विकास के लिए जो करना बनता है उसको नहीं समझ कर ज्यादा या अन्यथा कर रहे होते हैं, तो उसका अधिमूल्यन कर लिया। तो स्नेह का निर्वाह ठीक कर रहे हैं कि नहीं, कि अगर इसको आकलन करने जाते हैं उसका सही मूल्यांकन किया कि नहीं, उसके प्रति चाहना के प्रति आश्वस्ति बनी है कि नहीं, इसका भी आकलन होता है। जी, तो ऐसा करते हैं कि अभी हम 10 मिनट ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने आप में अपने भाव को देखते हैं, इन भावों को समझने का भी प्रयास करते हैं, और ये भी देखते हैं कि मुझे कौन सा भाव स्वीकार होता है और गिवन सिचुएशन में मेरी सहज स्वीकृति क्या है। उसको हम अभी नाम ना भी दे, संबंध का, व्यवस्था का भाव, शस्त्र का भाव, देखें कि भाव के रूप में स्वीकार क्या है मुझे। यहीं से परिमार्जन शुरू हो रहा है। अभी तक हम सिर्फ अपना मूल्यांकन करते रहे कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, स्थिति सुखद है कि नहीं, निर्णय लेने वाला कौन है, आधार क्या है, समझ की मान्यता। अब हम भाव में परिमार्जन के लिए काम कर रहे हैं, स्टेप 6 में इसको करना है अपने को। तो हम अभी 10 मिनट अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। जी, जी बढ़िया। इस ऑब्जर्वेशन के साथ यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो तो अपना शेयरिंग या प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। तो पार्ट ए में हमने ये देखना शुरू किया कि हमें कौन सा भाव स्वयं में स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, शास्त्रत्व का या संघर्ष का। अगर हमको ये दिख पाता है ना, उसमें हम समय लगाएं, बहुत जल्दी उस निष्कर्ष पे ना पहुंचे, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप में तय करने जाते हैं कि संबंध का भाव स्वीकार होता है तो आपके अंदर सहज रूप से एक प्रश्न बनेगा, संबंध का भाव होता क्या है, किसको संबंध कह रहे हैं, जिसको मैं अभी संबंध कर रहा हूं संबंध ही है या कुछ और है, तो उसको ओपन रखें, उसको ऑब्जर्व करें। बट यदि अपने आप में हम इस बात को देख पाते हैं, सेटल हो पाते हैं कि संबंध का भाव ही स्वीकार होता है, तो फिर अपने आप में एक निर्णय होता है क्या, कि इन भावों को स्वयं सुनिश्चित करने के लिए मुझे इनको समझने की आवश्यकता है, संबंध को, संगीत या व्यवस्था को, सहअस्तित्व को। तो जिसका तात्पर्य यह हुआ कि मुझे संबंध
और सामने अपनी भागीदारी के चिंतन की आवश्यकता है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। यहाँ यह बात ध्यान रखें, ये संगीत जो कहा जा रहा है ये म्यूजिक नहीं है, जिसको अभी प्रचलन में म्यूजिक कहते हैं, ये हारमनी है, सिनर्जी है। तो अपने आप में ये निर्णय हो पाता है कि इसी से मेरा सुख है, इससे ही सुख है, इससे भी सुख है नहीं कह रहे, इससे ही सुख है। कि मेरे अंदर चिंतन की क्रिया जागृत हो जाए, बोध की क्रिया जागृत हो जाए, अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए, मुझे संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, सहस्तित्व का अनुभव हो जाए, इस निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। जी, इतनी बात को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। इस बात को अपने आप में देखें, है ना, ये निर्णय क्या हम रख पाते हैं अपने अंदर। नमस्ते भैया। भैया, जब ये संबंध के भाव को मैं अपने में देखने की कोशिश करती हूँ तो हर बार मेरे अंदर वो जिम्मेदारी का भाव है ना, ऐसा देखने में आता है, फिर वो मानव के साथ हो या मानवेतर प्रकृति के साथ। तो संबंध को देखने का ये डायरेक्शन ठीक है क्या? ठीक बात है, पर जिम्मेदारी भी क्या है ये भी तय करना जरूरी है। उसको भैया मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि जब मैं मानव के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मानव के साथ संबंध और उसमें जिम्मेदारी को देखना, मतलब कि समझना और समझाना, वो वाला कार्यक्रम हर बार मेरे ध्यान में आता है। और जब मानवेतर प्रकृति के साथ, मतलब दूसरी अवस्थाओं के साथ जब जिम्मेदारी का भाव मुझ में आता है तो उसका उपयोगिता या उसका सदुपयोग कैसे हो और वो कैसे एनरिच हो, वो वाला भाव हर बार आता है। तो ये डायरेक्शन ठीक है या फिर उसको और कैसे उसको शार्पन करें? ठीक है, डायरेक्शन तो ठीक है, शार्पन तो ऐसे ही होगा, भाव को स्पष्ट रूप से देखे, है ना। तो अभी हम कई बार जब हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो हो सकता है उसके रूप गुण में उलझ जाते हैं, तो रूप गुण से आगे जाकर हम उसके स्वभाव का चिंतन करेंगे, व्यवस्था के बोध पे काम करेंगे, सहस्तित्व के, है ना, अनुभव के साथ उसको देखने का अभ्यास करेंगे, तो उसके रूप गुण वाले पे भागते धीरे धीरे हमारा ध्यान कम जाएगा, स्वभाव पे व्यवस्था पे ध्यान ज्यादा जाएगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, अब पौधा मुरझा गया तो उससे दुखी नहीं होंगे, ठीक, वो समझ में आता है कि पौधा तो मुरझाएगा ही अगर उसको पानी नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारा ध्यान जिम्मेदारी पूर्वक रूप गुण पे रहता है तो हमारे भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है, फूल खिल गया तो हम बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो हमने पौधे में पानी डाला था आज फूल निकल गया, बड़े प्रसन्न, पौधा मुरझा गया तो दुखी, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब हमको भागीदारी दिखती है, उस पौधे की पूरी प्रकृति में क्या भागीदारी है, मानव समाज में क्या भागीदारी है, उसके साथ हम अनवरत अपना भागीदारी का निर्वाह करते रहते हैं। ठीक है भैया। अभी भैया ये जो स्टेप नंबर 6 है ना, वो उस जगह पर मुझे बहुत इंटेंसिवली करना पड़ेगा ना, ऐसा लगता है, क्योंकि व्यवस्था संबंध को एक्सप्लोर करने का एक थोड़ा तरीका मिला है, उसको भी अभी और करेंगे, पर व्यवस्था और सहअस्तित्व को कैसे एक्सप्लोर करें या कैसे इन्वेस्टिगेट करें ना, उसको मैं अभी नहीं पकड़ पा रही हूँ कि कैसे उसको देखूं। इन्फॉर्मेशन के रूप में ये सब आता है कि व्यवस्था मतलब क्या है, सहअस्तित्व मतलब क्या है, वो वर्कशॉप में बहुत सारा सुना है, तो इन्फॉर्मेशन तो वो मेमोरी में सेट हो गया, पर उसको देखने का जो तरीका है ना, उसको मैं अभी नहीं पकड़ पा रही हूँ। देखिए, उसमें तो जब हम चैतन्य के विकास को फोकस में ले आते हैं ना, उसके अर्थ में फिर उसकी मेरे चैतन्य, मतलब मेरे स्वयं के विकास, दूसरे मनुष्यों में चैतन्य के विकास, उसको जब फोकस में ले आते हैं तो बाकी सारी चीजें उसके अर्थ में फिर परिभाषित होने लगती है। तो प्रकृति में तो देखे तो अपने आप संतुलन बनाई हुआ है, उसकी उपयोगिता सदुपयोगिता तो इस अर्थ में है कि चैतन्य के विकास में सहायक हो जाए। अगर वो भाग हट गया तो कई बार ये होता है कि भाई पेड़ पौधे लगाने गए, अब वही कार्यक्रम बन गया, है ना, उसी मुलझ के रह गए, इसने पेड़ उखाड़ दिया, उसे लड़ाई झगड़ा कर बैठे,
क्या वो चैतन्य का जो विकास है अगर वो केंद्र में न रहे तो हम कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं उसे हम उलझ के रह जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। कोई है ना हवा को शुद्ध करने गया, ठीक, अब जितने लोग अशुद्ध कर रहे उनसे विरोध बन गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कोई नदियों के काम करने गया और यदि लोग गंदा कर रहे हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, हमको दिखता है कि भाई आदमी सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है, व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है, उसके चैतन्य भाग पे काम करो तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे ठीक ही होती जाएंगी। वाले भाग को छोड़ के कुछ भी करेंगे उसमें कठिनाइयां बनी रहेंगी। हाँ भैया, ये अच्छा ध्यान दिलाया आपने। अभी हम वो अच्छा वाला कार्यक्रम सब करते रहते पर ये वाला फर्स्ट जो मेन पार्ट है वो छूट जाता है, छूट जाता है। इसीलिए हम बहुत सारा कुछ करके अंत में निराश हो जाते हैं, अरे लोग सब बेकार हैं, है ना, इनका कुछ नहीं होगा, एक कलयुग है, इसमें कोई सुधरने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई आज भी देखे तो अच्छे काम करने वाले लोग बहुत सारे पर जो फर्स्ट पार्ट छूट जाता है इसलिए वो अच्छा वाला अच्छा दिख ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर हमको उसकी सीमा भी नहीं दिखती और हम उसी में उलझ जाते हैं। ठीक है भाई, आज मैं सोचूंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा यहाँ रुकते हैं और ये हम अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं कि ये निर्णय हमारे अंदर बन पा रहा है कि नहीं, कि मुझे संबंध के चिंतन की आवश्यकता है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। इसको अपने आप में देखें, ऑब्जर्व करें। बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।